गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू क्लास थर्ड? आई होप यू विल बी फाइन. टूडे आई एम टेकिंग योर रिविजन क्लास ऑफ चैप्टर 4. आवर चैप्टर 4 इज केयरिंग फॉर ईच अदर. बेटा, इट मीन्स केयरिंग फॉर ईच अदर मीन्स एक दूसरे की देखभाल करना. ओके स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मॉरल बता रही हूँ, ठीक है? तो आप मॉरल को अपने रफ कॉपी में, जहाँ से आप रिवीजन वर्क स्टार्ट करते हो, उसे नोट कर लीजिएगा. बेटा, टुडे मॉरल इज मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग. मिस्टेक्स आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग. बेटा, मिस्टेक्स ही वो प्रूफ होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि आप कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मिस्टेक्स ही हमारे लिए सबूत होते हैं, प्रूफ होते हैं कि आप कोशिश कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं बता रही हूँ, मैं आपको टॉपिक से बता रही हूँ, ठीक है? तो टॉपिक्स इसमें दी गई है फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट पीपल, यानी भाग्य और दुर्भाग्य वाले लोग, ठीक है? यानी भाग्य वाले लोग किसे कहते हैं? कुछ लोगों का भाग बहुत अच्छा होता है और कुछ लोगों का भाग थोड़ा ख़राब होता है, तो भाग्य और दुर्भाग्य उन्हें ही बोलते हैं, ठीक है? तो बेटा, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, यानी हम लोग अपना भाग्य खुद ही बनाते हैं, ठीक है? कुछ तो बना होता है, लेकिन कुछ हम लोग खुद ही बनाते हैं. अब चलिए देखिए, आपकी सेकंड टॉपिक दी गई है हाउ कैन वी हेल्प, हम दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं, ठीक है? थिंकिंग ऑफ अदर्स, दूसरों की सोच. ओके, अब देखिए बेटा, टेक द थिंग्स दैट पीपल नीड. आपको थिंग्स को टिक करना था, उन थिंग्स को टिक करना था जिसे पीपल को क्या होती है, जिन चीज़ों को नीडेड होती है. तो बेटा, आप, मैं ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, आपको इन सभी चीज़ों की नीडेड होती है, यानी सभी पीपल को इन सभी चीज़ों की नीडेड होती है, ठीक है? तो बेटा, सबसे पहले आप देखिए फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट पीपल क्या होते हैं, यानी एवरी वन नीड्स दिस थिंग्स, फॉर्चुनेट पीपल हैव देम. यानी फॉर्चुनेट पीपल, कुछ पीपल ऐसे होते हैं जो लक्की होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, फॉर्चुनेट पीपल कहते हैं, ठीक है? और अनफॉर्चुनेट पीपल क्या होते हैं, यानी कुछ, मैनी ऑफ अस आर वेरी फॉर्चुनेट, वी हैव सेवरल थिंग्स दैट अदर पीपल डू नॉट हैव. यानी कुछ चीज़ें होती हैं जो लक्की पर्सन्स के पास होती हैं और अनफॉर्चुनेट पीपल के पास नहीं होती हैं, तो इससे यानी बहुत सी उन्हें प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है. तो लोग क्या कहते हैं कि लोग अपने आप से कहने लगते हैं कि मैं अनफॉर्चुनेट हूँ, मैं दुर्भाग्यवश की बात है, ठीक है? तो बेटा, चलिए हम आपकी टॉपिक्स, आपको पता चल गया, यानी फॉर्चुनेट मीन्स लकी एंड अनफॉर्चुनेट मीन्स अनलकी. देखिए बेटा, पीपल हु आर पुअर, यानी कुछ लोग जो हैं क्या होते हैं, पुअर होते हैं, ठीक है? यानी आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास भी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो क्या होंगे, पुअर होंगे. यानी बेटा, अभी भी इंडिया में, यानी मैनी चिल्ड्रन इन इंडिया आर बॉर्न टू पेरेंट्स हु आर पुअर. यानी इंडिया में अभी भी ऐसे पेरेंट्स हैं जो क्या हैं, बहुत ही पुअर हैं. यानी उनके पास ऐसी स्थिति नहीं होती है कि वो अपने बच्चों को पेट भर खाना खिला सके, ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े पहना सके, ठीक है? और उनको ये सब करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है. देखिए, जैसे इन चिल्ड्रेन, इनके पास रहने के लिए घर नहीं है. देखिए, ये चिल्ड्रेन हु आर पुअर, ये क्या है, कुछ गरीब बच्चे हैं, ठीक है?
तो बेटा पीपल हु आर पुअर यानी मैनी चिल्ड्रेन इन इंडिया और बॉर्न टू पेरेंट्स हु आर पुअर, इंडिया में अभी भी बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे क्या हैं, पुअर हैं, ठीक है। वर्क हार्ड सो दैट दे कैन गिव देयर चिल्ड्रेन फूड बट समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव दैम मोस्ट अदर थिंग्स। वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को थिंग्स तो देते हैं लेकिन वो क्या टाइमली नहीं दे पाते, उनमें बहुत कठिनाइयों का सामना करके देना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा जो बच्चे पुअर होते हैं, गरीब होते हैं, वो प्रॉपर क्लोथ्स नहीं पहन पाते, उनके पास अच्छे अच्छे टॉयज नहीं होते हैं, खिलौने नहीं होते हैं, दे मे नॉट हैव अ नाइस प्लेस, उनके पास रहने के लिए अच्छी जगह नहीं होती है, ठीक है, वेयर दे कैन प्ले, जहाँ पर वो खेल सके, दे मे नॉट बी अबल टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाने में भी योग्य नहीं होते हैं, ठीक है। जब उनके पास बेटा पैसा, उनके पेरेंट्स के पास यानी पैसा ही नहीं होगा तो वो स्कूल कैसे जा पाएंगे, वो इस स्थिति में नहीं होंगे। और इसके लिए कुछ एनजीओज ने भी कुछ वर्क किए हैं, जैसे देखिए हमारी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल खुलवाए हैं कि ताकि पुअर बच्चे भी पढ़ाई कर सके, ठीक है। अब देखिए बेटा, पीपल हु आर इल और हु हैव स्पेशल्स प्रॉब्लम, यानी बेटा अर्थ पे बहुत से लोग रहते हैं कि सभी के पास कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन इस पृथ्वी पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास स्पेशल्स प्रॉब्लम होती हैं। स्पेशल प्रॉब्लम मतलब आप समझ रहे हैं, उनके पास विशेष प्रकार की कोई ना कोई, जैसे वो चल नहीं पाते हैं, बहुत से व्यक्ति होते हैं चल नहीं पाते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो सुन नहीं पाते हैं, कुछ व्यक्ति देख नहीं पाते हैं, तो जिनके पास स्पेशल्स प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो देखिए बेटा, अ लॉट ऑफ पीपल हैव डिफ़िकल्टीज़, उनके पास क्या होते हैं, उन पीपल्स के पास बहुत, उन्हें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, ठीक है। दे कैन नॉट सी और दे कैन नॉट हेयर, वो क्या नहीं कर सकते, ना तो सुन सकते हैं और ना तो देख सकते हैं। दे कैन नॉट वर्क प्रॉपरली सो मे नीड टू यूज़ अ व्हील चेयर और अदर हेल्प फॉर वॉकिंग। मैंने आपको बताया कि कुछ मैंने बताया ना, तो बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये आपको पता चला कि यानी वर्ल्ड में इस अर्थ पर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्पेशल्स प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। पीपल हु आर डिफरेंट, देखिए, ऑफन इन अ स्कूल और नेबरहुड देयर मे बी पीपल हु आर डिफरेंट, अ पर्सन मे बी वेरी शॉर्ट और वेरी टॉल, परहैप्स हैव अ डिफरेंट स्किन कलर देन अदर्स। आप बेटा जहाँ रहते हो वहाँ भी आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं बहुत लंबे होते हैं, कुछ लोग होते हैं छोटे होते हैं, कुछ के स्किन्स बहुत ही क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो बेटा यानी पीपल यानी सभी सिमिलर तो होते हैं, यानी जैसे सभी के पास आँख कान नाक होता है, लेकिन क्या होते हैं, वो सेम नहीं होते हैं, ठीक है, कुछ छोटे कुछ बड़े बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल यानी जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है ना। तो बेटा जो ओल्ड पीपल होते हैं उन्हें भी बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, बहुत सी कठिनाइयों का, वो जब ओल्ड हो जाते हैं बूढ़े हो जाते हैं उनके पास, तो वो कभी कभी क्या नहीं मेडिसिंस नहीं ले पाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता, उन्हें राइट टाइम का रिमेंबर नहीं रहता, उन्हें याद नहीं रहता है, ठीक है, तो उन्हें बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, ओके। हाउ कैन वी हेल्प, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, हम दूसरों की हेल्प कैसे कर सकते हैं। मैनी स्कूल हैव चिल्ड्रेन हु आर फ्रॉम पुअर फैमिलीज़, यानी स्कूल में बहुत से ऐसे चिल्ड्रेन होते हैं जो पुअर फैमिली से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, यानी पुअर फैमिली से वो यानी गरीब घर से आते हैं। दे आर ऑल्सो सम स्कूल्स वेयर चिल्ड्रेन हु आर डिफरेंट और चिल्ड्रेन हु हैव डिफ़िकल्टीज स्टडी अलॉन्ग विथ अदर चिल्ड्रेन, यानी हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं,
कैसे कर सकते हैं, यानी अपनी बुक्स दूसरे बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। तो हम डिफरेंट तरीके से उनकी हेल्प कर सकते हैं। ऐसे हमारे साथ अगर हम सेकंड क्लास में हैं, ठीक है, तो हम जब हम थर्ड क्लास में गए तो हम अपने सेकंड क्लास की बुक्स दूसरों को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ऐसे पुअर बच्चों को क्या हो जाएगा, हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब देखिए, थिंकिंग्स ऑफ अदर्स। व्हेन वी आर हैप्पी इट इजी टू फॉरगेट अबाउट अदर पीपल हु मे नॉट बी हैप्पी। द मेन थिंग्स इज फॉर थिंक ऑफ अदर्स एंड टू बी काइंड टूवर्ड्स देम। देखिए बेटा, जब हम लोग खुश होते हैं तो हम लोग कभी कभी खुशी में बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सभी के प्रति दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, काइंडफुल रहना चाहिए, ठीक है बेटा। डीड मीन्स होता है, क्या होता है आपको पता है, कर्म होता है, ठीक है। देखिए डीड दिया गया है, एक्शन, डीड मीन्स होता है कर्म, ठीक है। तो बेटा चलिए हम आपके वर्ड मीनिंग पर आते हैं और रिमेंबरिंग पॉइंट पे, ठीक है। आपकी रिमेंबरिंग पॉइंट दी गई है, मैनी ऑफ अस मोर फॉर्चुनेट पी देन अदर पीपल, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉर्चुनेट पीपल, यानी दूसरों की अपेक्षा वो क्या होते हैं, फॉर्चुनेट होते हैं। सम पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट आर पुअर पीपल, पीपल हु आर इल और हैव, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या कम फॉर्चुनेट वाले होते हैं, ठीक है, उनके पास कुछ प्रॉब्लम्स होती है। अब देखिए बेटा, वी कैन एंड शुड हेल्प एज मैनी पीपल एज वी कैन, यानी हमें क्या करना चाहिए, अगर जैसे हमें पता चलता है कि कुछ लोग जिसके पास डिफ़िकल्टीज होती है, क्या हमें क्या करना चाहिए, उनका हेल्प करना चाहिए। इफ़ वी थिंक ऑफ अदर्स आर काइंड वी विल रिमेंबर टू हेल्प पीपल हु नीड हेल्प, यानी हमें जिनके पास स्पेशल्स प्रॉब्लम होती है, अगर हम उनके पास दयालुता का व्यवहार करेंगे, वो हमें हमारे व्यवहार इस व्यवहार को हमेशा क्या करते हैं, रिमेंबर रखते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका वर्ड मीनिंग है, फॉर्चुनेट मीन्स भाग्य, हैविंग गुड लक, एडवांटेज मीन्स लाभ, बुली मीन्स धौसियाँ और डीड मीन्स कर्म, ओके। आपकी एक्सरसाइज दी गई है, मैनी अनफॉर्चुनेट डैश हैव डिफ़िकल्टीज ऑफ वेरियस काइंड, यानी बेटा जो अनफॉर्चुनेट पीपल होते हैं उन्हें क्या करना पड़ता है, डिफ़िकल्टीज़, उनके पास बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ होती है, कठिनाइयाँ होती हैं, उन्हें वेरियस टाइप के डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। सम स्पेशल डैश दैट हैव आर दैट दे कैन नॉट सी और हेयर और दे कैन नॉट वॉक, यानी कुछ लोग होते हैं जिनके पास स्पेशल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, मैंने बताया ना स्पेशल्स प्रॉब्लम होती है जिससे वो क्या नहीं कर सकते। स्पेशल प्रॉब्लम क्या होता है, जो सुन नहीं सकते, कुछ लोग होते देख नहीं सकते और कुछ लोग चल नहीं सकते, ठीक है। ओल्ड पीपल कैन बी डैश बिकॉज द यंग पीपल अराउंड दम आर बिजी, यानी ओल्ड पीपल को हमें कभी लॉनली अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, यानी हमेशा उनके चारों तरफ रहना चाहिए, कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, ओके। अब देखिए बेटा, आपका फोर्थ नंबर है, डैश पीपल टू ट्राई हेल्प अदर्स इन वॉट एवर वे दे कैन काइंड, यानी हमें दूसरों की काइंडफुल यानी काइंड दयालुता से हेल्प करनी चाहिए। व्हेन वी आर काइंड टू पीपल वी शो देम दैट वी केयर, यानी अगर हम किसी की हेल्प करते हैं तो वो क्या करेगा, यानी वो भी हमारी देखभाल करते हैं, ठीक है, यानी हम अगर किसी की हेल्प करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी भी किसी ना किसी रूप में हेल्प भी कर सकता है। अब देखिए, ट्रू और फॉल्स, फॉर्चुनेट पीपल हैव मैनी एडवांटेज लाइक फूड क्लॉथ्स एंड हैव टू लीव इन, यस, क्योंकि जिनके पास ये ढेर सारी चीज़ें होती हैं, सभी चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, वही तो होते हैं फॉर्चुनेट पीपल। पीपल हु हैव स्पेशल डिफ़िकल्टीज कैन लीव देयर लीव्स विदाउट एनी हेल्प, यानी जिसके पास
स्पेशल प्रॉब्लम होती है, हमें क्या कर देने चाहिए, बिना किसी चीज़ के हमें उनकी हेल्प, यानी क्या करना चाहिए, हमें उनसे किसी चीज़ का आशा रखना चाहिए कि उनकी हेल्प कर देनी चाहिए, तो नहीं रखना चाहिए, यानी फॉल्स रहेगा। पीपल ऑफन लाफ एट अदर्स पीपल हु आर डिफरेंट, ट्रू। ओल्ड पीपल डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स, फॉल्स, क्योंकि ओल्ड पीपल के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू स्टॉप एनीवन हु इज़ टीजिंग और हर्टिंग एन एनिमल, फॉल्स। चूज द करेक्ट आंसर। पेरेंट्स हु आर पुअर फाइंड इट डिफ़िकल्ट एंड ईजी टू गेट थिंग्स फॉर देयर चिल्ड्रेन, यानी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो पुअर होते हैं, वो क्या आसानी से चीज़ों को पा सकते हैं, नहीं, डिफ़िकल्ट से, बहुत कठिनाइयों से पाते हैं। सीरियस इलनेस मेक डू नॉट मेक पीपल वीक, यानी जो कोई सीरियस बीमारी होती है तो क्या लोगों को क्या बना देती है, कमज़ोर बनाती है या कमज़ोर नहीं बनाती है, तो मेक पीपल वीक, कमज़ोर बनाती है। यूजअली द हेयरिंग एंड आई साइड ऑफ ओल्ड पीपल इज़ रॉस बेटर देन बिफोर। पीपल विथ डिफ़िकल्टीज कैन नॉट हैव एंड मे हैव स्पेशल टैलेंट्स सच एज म्यूजिक, आर्ट, स्पोर्ट, etc. तो मे हैव। वी शुड ट्राई टू अ गुड डीड एवरी डे, क्या करना चाहिए, शुड नॉट, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए, ठीक है। तो शुड ट्राई टू अ गुड डीड एवरी डे। देखिए बेटा, मैच द फॉलोइंग, फॉर्चुनेट यानी हैविंग गुड लक, ओके, एडवांटेज यानी थिंग्स दैट हेल्प यू टू मोर सक्सेसफुल देन अदर पीपल, यानी लाभ। बुली मीन्स धौसिया, यानी टू फ्राइडनेट और हर्ट समवन। डीड मीन्स करम, यानी एन एक्शन, ओके। अब देखिए आपका क्वेश्चन एंड आंसर है। व्हाट आर थिंग्स दैट पुअर चिल्ड्रेन मे नॉट हैव, राइट इन टू सेंटेंसेस, यानी क्या चीज़ें हैं जो गरीब बच्चों के पास नहीं हो सकती है, आपको टू सेंटेंसेस में राइट करना है। यानी मैनी चिल्ड्रेन इन इंडिया आर बॉर्न टू पीपल हु आर पुअर, यानी इंडिया में बहुत से ऐसे फैमिली होते हैं, यानी बहुत से ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके, जो क्या होते हैं, पुअर होते हैं। दीज चिल्ड्रन मे नॉट हैव प्रॉपर क्लोथ्स एंड टॉयज टू प्ले विथ, यानी उनके पास क्या होता है, प्रॉपर क्लोथ्स नहीं होते हैं, अच्छे खिलौने नहीं होते हैं जिससे वो क्या कर सके, प्ले कर सके, ठीक है। तो एक फर्स्ट ये आपका हो गया बेटा। दे मे बी नॉट अबल टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाने में योग्य नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि जब वो पुअर होंगे तो वो स्कूल भी नहीं जा पाएंगे। अब देखिए सेकेंड नंबर का आपका आंसर है बेटा। गिव वन प्रॉब्लम दैट अ चाइल्ड इन अ व्हील चेयर में हैव, यानी एक समस्या आपको बतानी है, वन प्रॉब्लम आपको देना है जो व्हील चेयर के बच्चों के पास होती है, तो क्या होती है। अ चाइल्ड इन अ व्हील चेयर मे नॉट बी अबल टू पिक अप समथिंग दैट हैज़ फॉलन ऑन द ग्राउंड, यानी व्हील चेयर के बच्चे अगर बहुत ही सावधानी से नहीं चलेंगे तो क्या होगा, वो गिर जाएंगे, ठीक है, वो ज़मीन पर गिर सकते हैं, ग्राउंड में गिर सकते हैं। अब देखिए उनके पास ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हाउ डू सम स्कूल हेल्प लेस फॉर्चुनेट पीपल, यानी कुछ स्कूल कम भाग्यशाली लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, यानी कुछ बच्चे, स्कूल में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो पुअर होते हैं, तो यानी स्कूल या स्कूल में जो क्लासमेट्स होते हैं उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, स्कूलमेट्स होते हैं उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। यानी मैनी स्कूल्स हैव चिल्ड्रेन हु आर फ्रॉम पुअरर फैमिलीज और डिफरेंट और हैव डिफ़िकल्टीज। इन दीज स्कूल ऑल चिल्ड्रेन प्ले टुगेदर, स्टडी टुगेदर एंड हेल्प वन अनदर, उनके साथ खेल सकते हैं, एक साथ खेल सकते हैं, एक साथ पढ़ सकते हैं और अपनी बुक्स भी उन्हें दे सकते हैं, तो इस तरह वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। राइट टू सेंटेंसेस ईच अबाउट हाउ यू कैन
हेल्प दीज पीपल, आप इन लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, आपको दो वाक्यों में लिखना है। फर्स्ट है चिल्ड्रेन हु आर पुअर, सेकेंड है पीपल हु हैव डिफ़िकल्टीज, थर्ड नंबर है पीपल हु आर डिफरेंट इन एनी वे, और फोर्थ है ओल्ड पीपल। तो कैसे कर सकते हैं, वी कैन मेक फ्रेंड्स विद चिल्ड्रेन हु आर पुअर, वी कैन प्ले टुगेदर एंड शेयर आवर टॉयज एंड बुक्स विद देम, यानी जो बच्चे पुअर होते हैं उन्हें हम अपने बुक्स दे सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। पीपल हु हैव स्पेशल डिफ़िकल्टीज, जिनके पास स्पेशल डिफ़िकल्टीज होती है उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सिट एंड टॉक टू देम, यानी हम उनके साथ थोड़ा देर बैठ सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्ड नंबर है पीपल हु आर डिफरेंट इन एनी वे, तो देखिए वी कैन बी स्पेशली फ्रेंड विद पीपल हु आर डिफरेंट इन सम वे, वी शेयर आवर टिफिन विद देम, हम उनके साथ अपने टिफिन शेयर कर सकते हैं, टॉक टू देम बात कर सकते हैं, और प्ले देम विद देम उनके साथ खेल भी सकते हैं, ठीक है। ओल्ड पीपल, अब देखिए ओल्ड पीपल की हेल्प हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो ओल्ड पीपल की हेल्प हम लोग कैसे कर सकते हैं, यानी उनको कभी अकेला नहीं छोड़कर, वी कैन स्पेंड टाइम एवरी वीक टॉकिंग टू ओल्ड पीपल, ठीक है, हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इफ़ अ गर्ल इज़ बुलीड हाउ डज शी फील, यदि कोई गर्ल बुलीड है तो वो कैसा फील करती है। अ गर्ल मे फील अनहैप्पी एंड लॉनली इफ़ शी इज़ बुलीड, अगर वो बुलीड है तो वो क्या लॉनली फील करती है, अनहैप्पी फील करती है, ठीक है। तो बेटा ओके, आपको क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज को क्या करना है, अपनी रफ कॉपी में 2 times राइट करना और इस चैप्टर को लर्न करना है, ताकि बिकॉज टुमारो विल बी टेस्ट। और बेटा आपको क्या करना है, आपका टेस्ट है, आपकी टेस्ट टाइमिंग 2 to 3 o'clock तक रहेगी, ठीक है। ओके थैंक यू क्लास, माई कोड इज़ MPS EVS 136, ओके।